स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में लगी भीषण आग, क्लोजिंग से एक दिन पहले लगी आग पर उठे सवाल। अलीगढ़ धनीपुर हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण को प्रदेश सरकार द्वारा 7,38,58,00,000 रुपए किए गए रिलीज। रामनवमी पूजन के साथ घरों में लघुराओं को भोजन करवाकर दी गई दक्षिणा, दिया गया आशीर्वाद। बीच बचाव करने आए युवक के परिवार को पड़ा भारी, दबंगों ने की लाठी डंडों से पिटाई। जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए महिलाओं ने चलाया हस्ताक्षर अभियान, किया महिलाओं को जागरूक। वन विभाग की मिली भगत, अवैध तरीकों से पेड़ों को काटा जा रहा, वन माफियाओं को नहीं किसी का खौफ। अब बुलेटिन विस्तार से। अलीगढ़ अंबेडकर पार्क के सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि मुख्य ब्रांच से अचानक धुआं निकलता लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचित किया। आनन फानन में आई पुलिस ने दमकल विभाग को सूचित किया, वहीं दमकल विभाग कर्मियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इस मामले में सूचना पर पहुंचे जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर आग का निरीक्षण किया है। अभी तक आग लगने का कारण सही से पता नहीं चल पाया है। आग पर काबू पाने के लिए 4 दमकल की गाड़ियां लगाई गई थी। फिलहाल आग पर 2 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया है। अब जांच के बाद ही आग के कारणों का सही पता लग पाएगा। फिलहाल आग पर काबू पाने से बड़ा नुकसान होने से बच गया है। वहीं बैंक में रखे कंप्यूटर जलने की बात कही गई है। बैंक में किस तरह से आग लगी और इसका सही कारण क्या है और कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन अभी नहीं लगाया जा सकता। वहीं क्लोजिंग से महज एक दिन पहले बैंक में लगी आग पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी ने आग के कारण को लेकर जांच होने की बात। आज स्टेट बैंक में आग लगने की घटना आज सुबह आई है, उसकी प्रॉपर जांच की जाएगी कि किन कारणों से लगी। वैसे अभी उसकी आग बुझ गई है और 4 फायर ब्रिगेड लगाई गई थी, आग नियंत्रित होके बुझ गई है। ज़्यादा क्षति नहीं बताई जा रही, अभी प्राथमिक जांच में कुछ कंप्यूटर्स वगैरह जले हैं, विस्तृत जांच के बाद ही कारण पता लगेगा। लेकिन घटना नियंत्रित कर ली गई है तो बड़ा नुकसान होने से नहीं, अभी कैश जलने की कोई रिपोर्ट नहीं, केवल वो कंप्यूटर्स कुछ क्षतिग्रस्त हुए। अलीगढ़ जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा अलीगढ़ के धनीपुर हवाई अड्डे की विस्तारीकरण के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए 7,38,58,00,000 रुपए की धनराशि रिलीज की गई है। इस धनराशि से कृषकों से भूमि क्रय की जाएगी, जिससे कि आने वाले समय में हवाई अड्डे का विस्तारीकरण होगा और यहाँ हवाई अड्डे पर बड़े जहाज उतारे जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी स्थापित की जा रही है, अलीगढ़ का हवाई अड्डा उसका महत्वपूर्ण चरण है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अलीगढ़ सर हवाई पट्टी का विस्तारीकरण हो रहा है और काम भी काफी तेजी से चला है, तो क्या कुछ शासन से कुछ पैसा हो रहा है इसका विस्तारीकरण के लिए? देखिए, अलीगढ़ में हवाई अड्डा बनने के लिए जमीन के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आज 7,38,58,00,000 रुपया रिलीज कर दिया गया है, जिससे कृषकों से भूमि क्रय की जाएगी और आने वाले समय में फिर इसका विस्तारीकरण होगा ताकि यहाँ पर बड़े जहाज उतर सकें। और ये जो रीजनल कनेक्टिविटी स्थापित की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसका एक महत्वपूर्ण चरण है अलीगढ़ का हवाई अड्डा, तो वो उस दृष्टि से पैसा आया है। आने वाले समय में उसके माध्यम से हम भूमि क्रय करके इसका विस्तार करें। कब से इस पर काम चालू हो जाएगा, लोगों को मुआवजा देके? और वो धनराशि रिलीज हो गई तो अब उनसे हमको विक्रय पत्र निष्पादित करना है, तो विद इन दिस मंथ अप्रैल मंथ में हम कोशिश करेंगे कि सभी विक्रय पत्र निष्पादित कर ले जाएं ताकि फिर आगे कार्य करने में आसानी हो। चैत्र नवरात्रि 90 दिन श्रद्धा से मनाई गई। इस दिन घरों व मंदिरों में माता देवी महागौरी की आराधना की गई। सभी ने नवरात्र के व्रत खोलने से पहले पूजन कर कन्या लघुराओं को भोजन करवा कर उन्हें दक्षिणा आदि देकर उनसे आशीर्वाद लिया। नवरात्रि पूर्ण होने पर घर घर कन्या लघुरा जिमाए, घर घरों में आदर के साथ कन्याओं को बुलाया गया और उनके पांव पखारे गए। तिलक पूजन कर सभी कन्याओं को प्रसाद ग्रहण कराया गया। व्रत समापन पर चुनरी उड़ाकर दान दक्षिणा प्रदान की गई। शहर में कई जगहों पर भक्तों द्वारा प्रसाद का वितरण भी किया गया। नवरात्रि में पूरा माहौल भक्ति की शक्ति में डूबा रहा। मेरा नाम ख्याति वैष्णव है और सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दुर्गा अष्टमी है और हमने आज छोटी छोटी कन्याओं को भोजन जमाया और हमने उपहार दिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और ये क्या कहेंगे? नीलम वैष्णव सराय की आज अष्टमी के दिन
हमने माता की अग्यारी करी, कन्या लंगर जिमाए, सबको चना हलवा खिला के उनका आशीर्वाद लिया, माता रानी के जयकारे लगाए गए और उनको खुशी दक्षिणा देकर विदा की। क्या नाम है आपका? शाली वास। अष्टमी है तो क्या किया आपने? नौ देवी की पूजन किया है। ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के मादक में हुआ, जहां बीच बचाव करने गए युवक के परिवार पर लाठी डंडों की बरसात कर दी। इस बीच परिवार का जो भी सदस्य सामने आया, दबंगों ने लाठी डंडियां उन पर बरसा दी और घर के कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव मादक। अच्छा, क्या है पूरा मामला? मामला ये है सर के हम दो भाई थे चाचा ताऊ के, हम बाजार जा रहे थे तो वहाँ हमारे चाचा के लड़के का एक्सीडेंट हुआ मिला हमें, तो वहाँ से हम उसको लेके गए डॉक्टर के पास में। वहाँ पे हमने उसका ट्रीटमेंट कराया, ट्रीटमेंट कराने के बाद में उसको घर भेजा। घर भेजने के बाद में तो हम उसको समझाने लगे, उसने पट्टी वट्टी खोल के अपनी डाल दी यहाँ से, तो उन्होंने मेरे लिए तो ईंट उठाई थी। ईंट उठाने के बाद में फिर उसने अपनी माँ को पकड़ा, माँ को मारने लगा, तो मैं बचा रहा था उसको। तो उसका बड़ा भाई है, वो बोला कि भैया इसको बचाओ, तो उसके छोटे भाई ने मेरी छाती में लात मारी, तो मैं वहाँ से गया। मेरी बाइक भी टूटी पड़ी है, शीशा वीशा जो भी कुछ है देख लीजिए आप। और उसके बाद में हम, उसका बड़ा भाई और मैं और मेरी घरवाली, हम टप्पल FIR करने के लिए आए थे, उसके बावजूद इन्होंने हमारे घर पे जाके हमला बोला है। कितने लोग थे वो? वो दो लोग थे सर। हाथ में क्या था उनके? उनके हाथ में फावरे का बैटा था सर, एक रॉड थी। फिर कितनी चोट आई है? और सर ये इसकी चांद फटी हुई है, उसकी जावड़ी फावड़ी जो हली हुई है वो सब। अलीगढ़ में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले महिलाओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले जनसंख्या नियंत्रण कानून के समर्थन में अपने अपने हस्ताक्षर दिए। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यक्रम आयोजक गौरी पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि हम चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू हो। इसके लिए हम दो महीने से रोजाना अभियान चला रहे हैं और इसके लिए हम घर घर जाकर महिलाओं को जागरूक भी कर रहे हैं। ये जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके। क्या कर पा रही है? हम चाह रहे हैं कि हमारा कानून जल्द से जल्द लागू हो। मेरा नाम आशिया है और क्या कहते हैं, हमने जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन की तरफ से हैं और हम चाहते हैं कि जनसंख्या कम हो, उससे बच्चों की शिक्षा के लिए आवेदन हो। अलीगढ़ पाली मुकिमपुर थाना क्षेत्र के बीसमपुर में धड़ल्ले से रात के अंधेरे में चल रहा है हरे पेड़ों का कटान का काम। आरोप है कि वन विभाग की मिलीभगत से अवैध तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है। वन माफियाओं को किसी का कोई खौफ नहीं है। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए 80 न्यूज इंडिया। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।